हरियाणा के नूह जिले में हुए हिंसा का आरोपी मोनू मानेसर एक बार फिर राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दरअसल इससे पहले भी 31 जुलाई को मोनू मानेसर को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया था। 26 जुलाई को मोनू मानेसर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है, उस पोस्ट की वजह से वो विवादों में घिर गया था। मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव के नाम से एक पोस्ट किया गया था, परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अभद्र शब्दों के प्रयोग पर धारा 153, 153 ए, 295 ए, 504, 109 आईपीसी और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया था। मोनू 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल में रहा। इतना ही नहीं, मोनू नासिर जुनैद हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी है, जिसमें मोनू पर हत्या और किडनैपिंग के तहत केस दर्ज किया गया था। बता दें कि मोनू पिछले 8 महीने से फरार था। हालांकि मोनू मानेसर अपने पर लगे हत्या और किडनैपिंग के आरोप से साफ इनकार करता नजर आया।